शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी मिले और तुम मुझे देख सको, और जब ऐसा हुआ तो मुझे ही तुम्हारे साथ आंख में छोली खेलनी पड़ी, तुमसे छुपना पड़ा। लेकिन अब छुपने के लिए भी जगह नहीं है दुर्गा। क्यों बाबू, क्यों छुपते रहे मुझसे? क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? मैं तड़पती रही और तुम देखते रहे, क्यों? अब इस क्यों का जवाब देने का वक्त निकल चुका है दुर्गा, बहुत देर हो चुकी है। 2 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी तो मेरी तब भी होने वाली थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम्हारा दिया हुआ मंगलसूत्र हाथ में थामे तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम्हारे मरने की गम में जीती रही, तुम्हें खोने का अफसोस करती रही। और जब तुम वापस लौटे तो तुमने पहचाना तक नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने इस क्यों का जवाब मांगू तुमसे? अगर मैं तुमसे छुपा तो वह इसीलिए कि जिस दिन मैं लौटा तुम्हारी मंगनी राज के साथ हो चुकी थी, तुम राज की हो चुकी थी दुर्गा। तो तकदीर की इस नाइंसाफी पर तुमने हमारे प्यार की कुर्बानी की मोहर लगा दी। मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूं, सारे फैसले खुद ही कर लिए। ये हक तुम्हें किसने दिया बाबू? और कोई रास्ता नहीं था दुर्गा, तुम्हारे और ये हक तुम्हें किसने दिया? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलत फैसला किया है तो लो, थाम लो मेरा हाथ और चलो यहां से अभी इसी वक्त।
से एक स्ट्रेचर लेकर आ। नर्स गेट दी ओटी रेडी, आई वांट बी पॉजिटिव ब्लड देयर एंड कॉल द डॉक्टर्स, इट्स एन इमरजेंसी। दुर्गा, ऑपरेशन के बाद तो तुम बहुत खुश थी, इस दुनिया को देखना चाहती थी, और आज आज अचानक उसी दुनिया को छोड़कर जाने की बातें कर रही। देखो दुर्गा, खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपना दुख शेयर करोगी तो जी हल्का हो जाएगा, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या खत्म हो गया बताओ ना दुर्गा। कोई किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, ये तो सब कहने की बात है। हंसने वालों के साथ तो दुनिया हंसती है, लेकिन रोने वाला अकेले ही रोता है। मैं मूर्तिकारों के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे बापू बहुत बड़े मूर्तिकार थे, लोग दूर दूर से उनकी बनाई मूर्तियां लेने आते थे। उन्होंने मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाया, कहा करते थे मेरी दुर्गा के हाथ में ही सांचा है सांचा, एक बार जिस चीज को छू ले तो आंखें बंद करके भी उसकी मूर्ति बना सकती है। एक दिन बाबू इस तरह सोए कि फिर कभी नहीं उठे। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर और माँ पर आ गई। माँ बर्तन बनाती थी और मैं मूर्तियां बनाकर बेचा करती थी। कितनी अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि मैं गीली मिट्टी को जो भी रूप चाहे दे सकती थी, जो चाहती वो बना सकती थी, मगर जो नहीं बना सकती थी वो था मेरा अपना भविष्य। मैं जब भी दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती, उसके सामने माथा टेक कर एक ही प्रार्थना करती कि माँ कभी तो मेरे अंधेरे मन में आशा की कोई किरण भेज। और एक दिन माँ ने मेरी सुन ली, मैं मूर्ति लेकर चरण के साथ मंदिर जा रही थी। बैठियो, आगे ढलान है। क्यों, तेरी मरुती में ब्रेक नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है, चार चार, दो हाथ और दो पैर, बस तुम मैया को संभालो। क्या बात कर रहे चरण, मैया तो हम सबको संभालती है, पूरी दुनिया को संभालती है, उनको हम संभालेंगे क्या, पागल कहीं का। वाह रे वाह, ये बात है। आज चरण सिंह की गाड़ी में दो दो दुर्गा, एक देवी और एक दीदी। नहीं पकड़ सकती, वो अंधी है। जाने को, अरे ये तो फिर भी बच्चा है, तुझे क्या हुआ था दुर्गा, ना जाने कब अकल आएगी इसको। दीदी पे क्या चिल्लाए चाची,
सही सलामत तो पहुंच गई ना? ए, तू तो ऐसे बात करे जैसे तू बचा के लाया छोरी को। अगर मैया ने दुर्गा को बचाने दूत ना भेजा होता तो ना जाने के हो जाता हमारी दुर्गा को। के होता चाची, दीदी का भी वही हाल होता जो हमारी गाड़ी का हुआ है, सीधे खाई में। चुप, मैया उसके मन की मुराद पूरी करे। नाम क्या था उस बड़े आदमी का? हाथ दीजिए। हे दुर्गा, मैं थारे से बात कर रही हूँ। नाम तो नहीं पूछा। दीदी ने तो उससे धड़वाद भी नहीं बोले चाची। ले के सोच लिया होगा वो मन ही मन में। दुर्गा, कल सुबह मंदिर जाकर फूल थाली चढ़ाना और बाबू के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, समझी? ये तो अच्छा है, मूर्ति छोटी है, अगर बड़ी होती तो कैसे लाते? पहले वो आपके बाबू साहब ने मारी मूर्ति और मारी हाथ गाड़ी तोड़ दी है, और आप भी हाथ गाड़ी में मूर्ति समझ कर बैठ गए। आपकी वजह से हुआ ये सब। और अब मूर्तियाँ कैसे लाएंगे हम? गाड़ी तो है नहीं। हेलो, इतनी दूर से कैसे लाएंगे मूर्तियों को, समझ में नहीं आता। हाँ दीदी, ये तो उन्हीं की आवाज है ना? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे हाँ भाई, कितना चिल्लाऊं, एसडी से बोल रहा हूँ। वो बाबू साहब की जिसने मुझे बचाया था, बिल्कुल वही आवाज है। कहाँ? अच्छा सुन, चाची को प्रणाम कहना और अपना ख्याल रखना। के बात है दीदी, अब तक बाबू साहब की आवाज गुंजे कानों में, दाढ़ में कुछ काड़ो है के? एक धक दूंगी, काला का सफेद हो जाएगा। सुन, उस तरफ से आवाज आ रही है ना? हाँ? अरे आप लोग? अरे बाबू साहब। आप लोग यहाँ? दीदी थारे को ढूंढ रही थी कब से। चुप, ओए मारो गए हो। क्या हुआ? दीदी नहीं चाहती मैं सच बताऊं, पर जब से थारे से मिली है ने। चल, भाग यहाँ से, चल, चल, दीदी बता दो, चल, बता दो दीदी। बड़ा प्यारा लड़का है, तुम्हारा भाई है? भाई से बढ़कर है। क्या तुम सचमुच मुझे ढूंढ रही थी? ढूंढ तो नहीं रही थी, लेकिन माँ ने कहा था कि अगर मिलेंगे तो क्षमा जरूर मांगना। क्षमा? काहे की? आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपका धन्यवाद तक नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी मांग लो। धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो। अरे बस बस, आदमी तो आदमी के काम आता है। सो तो ठीक है बाबू। बाबू, आप टूरिस्ट हैं? नहीं, यहीं का रहने वाला। बाबू, मैं देख तो नहीं सकती लेकिन आवाजें मुझे याद रहती हैं। इस इलाके में आपकी आवाज कभी नहीं सुनी पहले। हाँ, मैं जरा कम बोलता हूँ। कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा बाबू, मैं चलती हूँ। नमस्ते। सुनिए, अपना नाम तो बता के जाइए। दुर्गा। और इस छोरे का? चरण। क्यों बाबू साहब, तुम भी मारे धंधे में आ रहे हो? गाड़ी चलाओगे? क्यों छोरे, तू चला सके तो हम क्यों ना चला सके। हाँ, क्यों नहीं चलाओगे, अब तो थारो रास्ता भी साफ हो गयो। मारी गाड़ी तो फेंक दी खाई में, और अब कोई गाड़ी वालों भी नहीं है। हाँ छुले छुले, छूने में क्या जावे। हाँ छू लिया, जाता हूँ। सुनो, लाइसेंस बनवा लियो। अरे सुन, नाम तो बता के जा। किसका? अरे जिसके लिए लाइसेंस निकलवाना, और किसका? मतलब? मतलब पगले, मैं ये गाड़ी तेरे ले लाया हूँ। ए बाबू साहब। अरे अरे बता तो सही, कहाँ मुझे लेके जा रहा है? बताऊंगा तो तुम खुशी से उछल पड़ोगी। क्यों, अलादीन का चिराग मिल गया है क्या? अरे चरण, ये तो हाथ गाड़ी है। हाँ, हमारी नई मारुति है। बाबू साहब लाए हमारे लिए। बैठो ना दीदी, हमारी नई मारुति पे। नहीं रे बाबा, कल बैठी थी तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं नहीं बैठने वाली। लेकिन बाबू साहब भी तो मिले थे। आज भी मिलेंगे क्या? तुम बैठोगी तो जरूर मिलेंगे। आजकल बहुत बकबक करने लगा है। अच्छा चरण, तेरे बाबू साहब हाथ गाड़ी देकर चले गए क्या? अच्छा चरण, मुझे एक बात बता, ये तेरे बाबू देखने में कैसे लगते हैं? लंबे हैं? गोरे हैं?
उनकी आँखें छोटी छोटी है या बड़ी बड़ी? ये हूँ क्या कर रहा है? तेरे मुंह में गुड़ है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे बाबू आप, वो चरण कहाँ गया? मैंने उसे भेज दिया। और आप छुपके मेरी बातें सुन रहे थे? छुपकर नहीं दुर्गा, सबके सामने। हाय दैया। वैसे बातें तो मेरे बारे में ही हो रही थी ना दुर्गा, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसा लगता हूँ? बाबू जो मन के अच्छे होते हैं वो आज से मेरा नाम बाबू। बाबू? हाँ दुर्गा, जब भी तुम बाबू कह के पुकारती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है? जानती हो जब भी तुम हंसती हो ऐसा लगता है जैसे कि चेहरे से रोशनी फूट रही है। तुम बहुत खूबसूरत हो दुर्गा। नजरों ने मेरी हाँ कितनी है मासूम सूरत ये तेरी, पहले ना देखी थी नजरों ने मेरी। क्या कह दिया तूने मैं खो गई, न जाने जागी हूँ या सो गई। ऐसी क्या उलझन है, हो गई क्या दिल की चोरी? चली मैं तो चली चली खिल गई, कली कली मिल गई। बड़े लोग हैं हुकुम, और दुर्गा गांव की गवार छोरी, ऊपर से अंधी। आप उसके लिए दया धर्म करें वो तो ठीक है, मगर उसे आगे बढ़ जावेंगे तो वही होगा जो सूर्य देव के नीचे आने से हो सकता है। छोरी के पल्लू में आँच लग गई तो वो घर में बैठी सड़ सड़ के मर जावेगी। माँ जी आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, खुद अनाथ हूँ।
मैंने तो अपने माता पिता को देखा भी नहीं। आज जो कुछ भी हो राजा साहब की मेहरबानी से। मेरे पिताजी वहां पर नौकरी किया करते थे। गरीबी और मजबूरी दोनों का एहसास है मुझे। रही बात दुर्गा की इज्जत की, मुझ पर भरोसा कीजिए माँ जी, दुर्गा की इज्जत पे उंगली नहीं उठेगी। मैं वादा करता हूँ माँ जी, दुर्गा को दुनिया की हर खुशी दूंगा जो मेरे बस में हो। यूँ समझ लीजिए आज से दुर्गा की जिम्मेदारी उठाने में मैं आपकी मदद करूंगा। पता नहीं बाबू की बातों में क्या जादू था, जब वो मेरे पास होते थे तो ऐसा लगता था कि धरती पे कोई परेशानी बाकी नहीं है। जैसे आंसू अपना रास्ता भूल गए हो, जैसे दुख के अंधेरों में खुशियों के तारे झांक रहे हो। मगर सपनों और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। सपने तो घर के अंदर होते हैं और सच्चाई तो दरवाजे पे दस्तक देती है। अरे ठहरो ना बाबा, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? अरे मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। अरे अरे रुको तो सही। कौन है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? दरवाजा तो ऐसे पीछ रहे थे जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो। गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कौन है? ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मारी जान। राणा, ये हुई ना प्यार की बात, फौरन अपने होने वाले को पहचान लिया। थारी ये हिम्मत, हाथ उठाते मारी छोरी पे, मारे जिगर के टुकड़े पे। इससे पहले कि माँ की ममता शक्ति में बदल जाए, निकल जाए मारे घर से। अरे थारे से ज्यादा प्यार करूँ मैं इसे, लुगाई बनाना चाहूँ और ये के मारे पे हाथ उठाती है। अच्छा थारी ये जुर्रत इसको लुगाई बनाएगा? कान खोल के सुन ले राणा, अगर कल से मेरे घर के आसपास फटका तो इन कंगन वाले हाथों को देर नहीं लगेगी कुल्हाड़ी चलाने में, समझे? निकल जा यहाँ से। आज तो मैं निकल जाता हूँ बुढ़िया, लेकिन तू कितना ही जोर लगा ले लुगाई तो ये मारी बनेगी। और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो जानती नहीं है दुबई रिटर्न राणा को। दुर्गा मत रो, मेरी किस्मत में सब लिखा है माँ। दिल छोटा मत कर मारी बच्ची, देख तारा कोई सहारा किए बिना मैं नहीं मरने वाली, समझी? और जहाँ राणा जैसे कमीने लोग रहते हैं वहाँ थारे बाबू जैसे भी तो अच्छे लोग रहते हैं इस दुनिया में। मत रो। और क्या दिखाई दे रहा है बाबू? सूरज ढल चुका है, सारा आसमान सिंदूरी हो चुका है, धीमी धीमी हवा चल रही है जो रेत के नए नए ढेर बना रही है। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? मालूम है अच्छा क्यों लग रहा है दुर्गा? इसलिए नहीं कि शाम बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यहाँ बैठी है। चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ? अरे चलो तो सही बाबू, चलो चलो बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। दुर्गा ये क्या जिद है, तुम मेरी मूर्ति क्यों बनाना चाहती है? लोग भगवान की मूर्ति क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो भगवान को देख नहीं सकते। तो मैं भी तो तुम्हें देख नहीं सकती ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो हर दम। तो रख लो ना अपने पास, मैंने कहा मना किया। लेकिन मूर्ति क्यों? इसलिए कि मूर्ति मुझे ऐसे हर वक्त सताएगी नहीं। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम इसे सताना कहती हो? अच्छा बाबा बैठ भी जाओ, मुझे अभी मूर्ति तो बनाने दो। लो बैठ गया, बनाओ अपनी मूर्ति।
भगवान की मूर्ति। अरे दुर्गा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही लगता है। हाँ दुर्गा, तुमने तो कमाल कर दिया। इन हाथों में जादू है दुर्गा। यू अमेजिंग दुर्गा, यू अमेजिंग। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो? आज पहली बार मन कर रहा है कि अपनी बनाई हुई मूर्ति देखूं बाबू। आज पहली बार दुख हो रहा है कि मैं देख नहीं सकती। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बाबू, अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ मैं। तुम देखोगी दुर्गा, मैं वादा करता हूँ, तुम एक दिन जरूर देखोगे। और काला चश्मा लगा के डू वन थिंग, मतलब कि ये जन्म से अंधी नहीं है, ये ठीक हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसा केस इंडिया में अगर कोई ले सकता है तो वो है डॉक्टर आर के प्रसाद। वो कब आएंगे? हर साल स्विट्जरलैंड से आते हैं। वेल, 3 हफ्ते के बाद वो आपको यही मिलेंगे। ओके, थैंक यू। इट्स ऑलराइट। चलो दुर्गा। अरे बाबा बोलो ना, मैं ये पहनूं या जो पहन रखा है वो ही ठीक है? मैं तुम्हें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज पहली बार मैं चैत के मेले में जा रही हूँ ना, और वो भी तुम्हारे साथ। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जो भी पहन लो, तुम पर सब अच्छा लगेगा। कौन बोला? मैं, आईना। अच्छा, लेकिन इस आईने का नाम तो पहले बाबू था। आज भी बाबू है। अच्छा आईना जी, तो मेरे बाबू से जरा पूछिए कि उनको कौन सा रंग पसंद है। तुम पर ये गुलाबी रंग बहुत जचता है। मुझे भी गुलाबी रंग पसंद है, लेकिन अब चलो मंदिर जाना है, चलो। माँ। हाँ। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। अरे बेटा इसे संभालना, कुछ ना समझे है, बड़ी चंचल है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं हूँ ना, संभालूंगा। कौन किसे संभालेगा, मैं तुम्हें या तुम मुझे? ऐसी पागल है, इसके बापू इसे बोलन की मशीन कहवे थे, सारा दिन बकबक करे है। सुन लूंगा माँ जी, इसकी बकबक मुझे अच्छी लगती है। अच्छा चलो भी ना। अच्छा माँ जी, चलिए दुर्गा जी। अच्छा माँ। जा बेटा। लो दुर्गा, माँ का मंदिर आ गया। वाह, हमारे देश में भी प्रेमियों की कमी नहीं। दुर्गा, ये चेत का मेला है या प्रेमियों का? भगवान के नाम से मजाक नहीं करते। चलो माँ के दर्शन कर लेते हैं। जानते हो बाबू, इस मंदिर की कितनी मानता है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। अच्छा दुर्गा, अच्छा जरा बताइए इस मंदिर में क्या खास बात है? शहर में रहने वालों की यही मुसीबत है, सारे रीति रिवाज भूल जाते हैं। अच्छा बाबू, आज चैत की 4वीं तारीख है। अच्छा, कहते हैं कि आज के दिन माँ के चरणों में तेल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन तेल चढ़ाने में कौन सी मुश्किल बात है दुर्गा? मुश्किल ये है कि तेल की कलसी मैं उठाऊंगी और तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर माँ के चरणों तक लेके जाओगे। अरे दुर्गा, यहाँ पर तो तेल ही तेल है, यहाँ पर तो कोई भी फिसल के गिर जाएगा। ये तेल जो माँ के चरणों में चढ़ाते हैं वही सीढ़ियों से आता है, और कहते हैं कि जिसके मन में खोट होता है वही गिरता है। अच्छा, मेरे मन में कोई खोट नहीं। ओ भाई जी, एक तेल की कलछी देना। लो भाया। कितने की है? 20 रुपया। ये लो, ये लो दुर्गा, पकड़ो। रेडी? ओके चलो, यो वी गो। संभल के। हाँ ओके।
दुर्गा मुझे लगता है उसके मन में खोट। अच्छा उसके मन में खोट था। अरे अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बच गए बच गए। अब खोट किसके मन में है? हाँ बाबू और कितनी दूर है? बस ये लो आ गए। तेल चढ़ा। माँ मैंने आपकी पुजारन को आप तक पहुंचाने का काम तो कर दिया, अब आप अपना काम कर दीजिए। इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। आप कुछ नहीं मांगेंगे? मैं और क्या मांगूंगा, मुझे तो सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया आपको बताइए ना, क्या मिल गया? जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है। आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।
बात जो तेरे दिल में है ना। मुझे बतला गया शर्माना तेरा रे, धीरे से मुझे बतला गया शर्माना तेरा रे। जब माँ का हाथ मेरे सर से उठ गया तो मुझे पहली बार अनाथ होने का एहसास होने लगा। मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। माँ को मरे 3 दिन ही हुए थे। उस दिन बाबू शहर गए हुए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी।
बाबू, हे बाबू। ये देख सकेंगी, आप दोनों बहुत लकी हैं। एक्चुअली 6 महीने पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब नया लेजर आ गया है जो पुतली के पीछे आ जाने वाली काली झिल्ली को जला देता है, और अगर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये जरूर देख सकेंगी। ऑपरेशन कब हो सकता है डॉक्टर? तुम अगर चाहो तो 2-3 दिन में। आप जैसा चाहें वैसा ही होगा डॉक्टर। क्यों दुर्गा? मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता डॉक्टर, समझ में नहीं आ रहा। आपके पैर छू लूं या गले लगा लूं? ओह कम ऑन, दोनों कर लेना, लेकिन ऑपरेशन के बाद। जी, अभी तुम इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो ताकि बाकी के टेस्ट किए जा सके। थैंक यू डॉक्टर। नॉट एट ऑल। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी नई नई आंखों से सबसे पहले क्या देखना चाहती हो? मुझे तो मुझे सबसे पहले कैसे देखोगी मालूम है? लाल चौड़ा पहने, दुल्हन बनी हुई, फूलों के स्टेज पर बैठी होगी, और मैं कमरे के अंदर आऊंगा, धीरे धीरे तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, और तुम शर्माते शर्माते अपनी आंखें खोलोगे और मुझे देखोगे, और फिर तुम एक आंगन देखोगे जिसमें हमारे बच्चे खेल रहे होंगे, छोटे छोटे दो बच्चे। और मैं भी कमाल हूं, जो बात पहले पूछनी थी वो पूछी। मुझसे शादी करोगी दुर्गा? तू
कुछ होगा। साहब ने कहा कि कल शाम तुम्हारी पट्टी खुलने वाली है। सच? हाँ। और उससे पहले मुझे अपने दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी है। क्या मतलब, तुम मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो बापू? थोड़ी देर के लिए बस, चरण के साथ जा रहा हूँ। जल्दी आना, वापस आने के लिए तो जा रहा हूँ पगले। तू जानता नहीं है, जब बदले की बात आती है तो दुबई रिटर्न राणा जेल से भी रिटर्न आ सकता है। खत्म गड़ा लो। गाड़ी स्टार्ट कर और जान दे साड़े को। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं,
एक ऐसा साथी जिसने जिंदगी के अंधेरे में इतनी दूर तक साथ दिया हो, रोशनी में आकर बिछड़ जाए तो सहन करना बहुत मुश्किल काम है। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे बाबू के बिना नहीं जीना। लेकिन खुद मर जाने से क्या मरने वाला वापस आ जाता है? अगर ऐसा होता तो हर मरने वाले के साथ न जाने कितने और लोग मर जाते और ये दुनिया कब की खाली हो चुकी होती। ऐसा नहीं है दुर्गा, दुख हो या सुख, आशा हो या निराशा, जिंदा तो रहना पड़ता ही है, सांस तो लेनी पड़ती ही है ना। और किसको मालूम है ये रोशनी जो तुम्हारी आंखों में उतरी है किसी के दिल में उजाला करने के लिए हो, तुम्हारी इस तन्हाई को दूर करने के लिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर होगा। पहले जो था सो था, आज से मेरा नाम बाबू। हाँ दुर्गा, जब भी तुम बाबू कह के पुकारती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मरिया कह रही थी तुमने ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं लिया, सारे दिन कमरे में बैठी रही। दुर्गा मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि यादें जख्म की तरह होती हैं, अगर तुम ये जख्म भरने नहीं दोगी तो ये तुम्हें इसी तरह दर्द पहुंचाती रहेंगी। ना ये जख्म भरता है और ना ये दर्द मेरे बस का है। तुमने मुझे बाप तो मान लिया लेकिन बाप की बात नहीं मान रही हो। मैं जयपुर से तुम्हें यहां स्विट्जरलैंड अपने साथ इसलिए लाया था कि दूरी सब कुछ भुला देती है, लेकिन आज 6 महीने के बाद भी तुम्हारी वही हालत है। भाई इस तरह तो तुम पागल हो जाओगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। दुर्गा अपने दुखों के अंधेरे कमरे से बाहर निकलो, भगवान ने जो तुम्हें आंखें वापस दी हैं उनसे देखो कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये जमीन जो रंगों से भरी है, आकाश जिस पर रोशनी रोशनी है, रंग रूप और उजाले की एक पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। दुर्गा तुम देखने की हिम्मत तो करो। मन कुछ नहीं देखना चाहता बाबा। देखो दुर्गा आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, यहाँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेरे दोस्त हैं, वो पार्टी दे रहे हैं और उन्होंने मुझे खास तौर से कहा है कि अपनी बेटी को जरूर लाना और तुम्हें चलना होगा। बॉस ये तो मैं जानती हूँ कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, बट यू नो द फैक्ट रिमेन्स कि ये आपकी पार्टी है और सारे केस आपको पूछ रहे हैं। अंकल क्या कर रहे हैं? अंकल यही है, सबको संभाल रहे हैं, बट अगेन द फैक्ट रिमेन्स दैट ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और आप चेयरमैन, सो यू नीड टू से हेलो एटलीस्ट ना। कम ऑन। ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू। सी एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर दिस ईयर द रिजल्ट्स फॉर कंपनी हैव बीन वेरी। Hey, Raj, my boy. Finally, we see you. Huh? You know, friends, when it comes to business, he's there all the time, on the spot. But in his own party, we have to search for him. Beta Raj, ye log America mein hamari company ke agents hain. Inse muskura ke baat karni padti hai, nahi to hamari company ke share gir jayenge. Huh? Okay? Hey, friends, you know, I've been handling this business for such a long time, and I've grown up with it. Hey,
लेकिन मैंने कहा भाई आजकल कूल कूल ही इज अ गुड बॉय. एक्सक्यूज मी. हेलो. नमस्ते. क्या हम पहले कभी मिले हैं? जी नहीं. तब फिर ऐसा लगता है जैसे मेरी तन्हाई आपकी तन्हाई को पहचानती है. मैं तन्हा नहीं हूं. अपने 400 मेहमानों के बीच मैं भी अकेला नहीं. अकेलापन बाहर नहीं, दिल के अंदर होता है. आपने मेरे दिल को कैसे देख लिया? आपकी खूबसूरत आंखों की चमक मोमबत्तियों का रिफ्लेक्शन नहीं. फिर क्या है? शायद ये वो आंसू है जिन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं मिल रही. कोई ऐसा दर्द जो गहरा जख्म बन चुका है. Yes, I told them. मैंने उनसे कहा. I see. मैंने उनसे कहा कि भाई पेशेंट को अमेरिका लाने की जरूरत नहीं है. आजकल तो हिंदुस्तान में ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन अभी तो. चोरी से दिल को चुरा ले कोई, जी चाहता है मेरा. हथेली पे लेके आया हूं. अंधेरा तेरे दामन में अच्छा नहीं लगता. कोई धुन मोहब्बत की बजने लगी, वो आए तो महफिल ये सजने लगी. कोई धुन मोहब्बत की बजने लगी, वो आए तो महफिल ये सजने लगी. सोचा न था मेरे दिल ने कभी, यूं अच्छा लगेगा कोई अजनबी. चेहरे से जुल्फें हटा ले कोई, जी चाहता है मेरा. चुपके से अपना बना ले कोई, जी चाहता है. वो पलकें झुकाने लगे, कोई बात मुझसे छुपाने लगे. उठा के वो पलकें झुकाने लगे, कोई बात मुझसे छुपाने लगे. उनको खबर ही नहीं है कि वो मेरे दिल पे बिजली गिरी.
गिराने लगे, जी भर के मुझको सता ले कोई, जी चाहता है मेरा चुपके से अपना बना ले कोई, जी चाहता है मेरा नजरों ने देखा है सपना कोई, लगने लगा हमको अपना कोई, नजरों ने देखा है सपना कोई, लगने लगा हमको अपना कोई। नमस्ते। नमस्ते। बाय गॉड दुर्गा जी, आज तो कमाल हो गया। मैं अभी सोच रहा था कि इस खूबसूरत स्विस बैकग्राउंड के साथ अगर एक हिंदुस्तानी चेहरा पेंट करने को मिल जाए तो कमाल हो जाए। और देखिए ना, आप मिल गई। आप उनकी तस्वीर क्यों नहीं बनाते? वो भी तो हिंदुस्तानी है। हाँ है, लेकिन आपकी तरह टिपिकल इंडियन ब्यूटी तो नहीं है। राज साहब, क्या आप मुझे बुद्धू समझते हैं? बिल्कुल नहीं। दुर्गा जी, दुर्गा जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि ना पेंटर है ना यहाँ पेंटिंग करने आए हैं, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। दुर्गा जी, आप मुझसे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। मेरी हाउसकीपर मारिया जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने उन्हीं से पूछा कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किस वक्त कहाँ रहती हूँ, और उन्होंने ही आपको बताया कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। चलिए यही सही। लेकिन अब जब हम मिल चुके हैं तो क्यों ना थोड़ा वक्त साथ में बिता लें। राज साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप ऐसी छोटी हरकत करते अच्छे नहीं लगते। दुर्गा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। दुर्गा जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप इतनी तनहा इतनी उदास क्यों हैं? ऐसा कौन सा दुख है कि आप हंसना तो क्या मुस्कुराना भी भूल गई हैं? अगर मुझे कोई दुख है तो वो मेरा दुख है। आप क्या जानना चाहते हो? क्या हक है आपको जाने का? हाँ? हक तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए। मुझे आपकी हमदर्दी और मदद की कोई जरूरत नहीं है। बॉस, मुझे तो आपकी ये सिंड्रेला थोड़ी पागल दिखती है। सवाल ये है कि इस पागलपन का कारण क्या है? कारण जानने का कारण जान सकता हूं मैं? एक अच्छी भली जवान लड़की इस तरह बर्ताव करे जैसे कि वो आपकी और हमारी दुनिया में अजनबी हो, तो आप भी जानना चाहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉब्लम जानने तक है या कुछ और भी? जी, मैं समझा नहीं। देखो राज, तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि तुम दुर्गा को पसंद करने लगे हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि दुर्गा तुम्हारे लायक नहीं है। लायक नहीं है? आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कि तुम भी अपने हो। दुर्गा की सारी जिंदगी दुखों के अंधेरे में गुजरी है। एक आदमी आया था उसकी जिंदगी में रोशनी लेकर, लेकिन किस्मत ने वो भी छीन लिया। राज, दुर्गा की मानसिक हालत ऐसी है कि वो खुद भी अपने पर भरोसा नहीं करती, तो किसी और आदमी पर क्या करेगी? दुर्गा जिससे प्यार करती थी वो कहाँ है?
वो मर गया। आज अगर हालात ठीक होते, ऐसे ना होते, तो मुझे खुशी होती कि तुम जैसे आदमी ने दुर्गा को अपने लिए चुना है। लेकिन अब मैं भी हार गया हूं। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं दुर्गा के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं ला सका। अगर मैं दुर्गा की जिंदगी में खुशियां लुटाने में आपकी मदद करूं तो I'll be more than grateful and happy, yes. तो आप यहां भी पहुंच गए। हमला करने से पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए राज साहब, प्लीज सुनाइए। दुर्गा जी, मन की शांति ना आपको इन पहाड़ों में मिलेगी और ना ही चुपचाप बैठने में। अगर आप शांति चाहती हैं तो मेरे साथ चलिए। आप मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहते? दुर्गा जी, मैं आपका दर्द महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन समझ जरूर सकता हूं। अगर मैं आपकी तकलीफों का बोझ बांटना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? और आपके साथ चलने से मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाना चाहता हूं जहां किसी दुख किसी दर्द को अंदर आने की इजाजत नहीं है। वहां आपके और मेरे जैसे लोग मुझे वो दिल लेकर जाते हैं और रोशनी की उम्मीद लेकर लौटते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। आप एक बार मुझ पर भरोसा तो कीजिए। आपने ठीक कहा था, यहाँ आकर मन को जितनी शांति मिली है वो पहले कभी नहीं मिली। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? बहुत आसान तरीका है, थोड़े से पल, थोड़े से लम्हे मेरे नाम कर दीजिए ताकि मैं आपकी मुस्कुराहट को आपके होठों पर रोके रख सकूं। ये किला है ना, ये किला, हाँ। इसका जो राजकुमार था, हाँ। उसे उस गांव की, वो गांव है ना वहां पर, हाँ। उस गांव की लड़की से प्यार हो गया था। अच्छा, लेकिन क्या करे, पुराना जमाना था, आन बान शान खान मान इन सब चीजों की इतनी प्रॉब्लम थी, यू नो। अब सीरियस स्टेटस की प्रॉब्लम। रानी माँ को जब पता चला, हाँ। तो उसने कहा शादी वादी कैंसिल। फिर क्या, वो राजकुमार उस लड़की के प्यार में इतना दीवाना हो गया था कि उस बेवकूफ ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उस लड़की से जाके शादी कर ली। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। क्या बात कर रही है दुर्गा जी, अच्छी बात? हाँ? वो डफर राजा, अगर मैं उस जगह पर होता ना तो लड़की को भी नहीं छोड़ता और अपनी गद्दी को भी नहीं छोड़ता, सीधा रानी माँ को कहता यू गेट आउट।
दुर्गा जी, आपको किसी ने बताया कि आपकी हंसी बहुत प्यारी है? जब भी आप हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके चेहरे से रोशनी फूट रही हो। आप बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें किसी ने कहा है तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है? जानती हो, जब भी तुम हंसती हो ऐसे लगता है जैसे कि चेहरे से रोशनी फूट रही है। दुर्गा जी, क्या हुआ? I'm sorry, पर बात क्या है? मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज। मगर बात क्या है दुर्गा जी? प्लीज राज, मुझे घर छोड़ दीजिए। हाँ लेकिन ये तो बताइए हुआ क्या है? प्लीज राज, प्लीज। आप जानती हैं आपका दर्द आपकी आदत बन चुका है। आप अपने इस दर्द से दूर जाना नहीं चाहती। आपका ये दर्द एक जरूरत बन चुका है, एक सहारा बन चुका है। प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपको लगता है अगर आप खुश होती हैं तो आप अपने अतीत से बेवफाई कर रही हैं, अपने उस बिछड़े साथी को धोखा दे रही हैं। आप क्या जानती है किसी को खोने का दर्द क्या होता है? एक पल में अपना सब कुछ गवा देना क्या होता है? किनारे पर बैठकर तूफान के बारे में भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर गुजरती है वो ही जानता है। आपको लगता है ये सब आप अकेले के साथ हो रहा है? अब चलिए मेरे साथ। ये देखो, ये है रोहित, मेरे बचपन का दोस्त। देखो इसे, क्या ये कोई मरने की उम्र है? मगर ये मर चुका है, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तुम एक अकेली नहीं हो इस दुनिया में दुर्गा, जिसे कोई दुख है, जिसका दिल टूटा, जिसने किसी को खोया है। मेरा भी दिल रोता है, लेकिन मैं अपनी आंखों में नमी कभी नहीं आने देता। अपने दर्द को कभी अपने होठों तक नहीं आने दिया। किस्मत के इस फैसले को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया मैंने। मैंने भी तुम्हारी तरह एक साथी खोया है, एक ऐसा साथी जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, एक ऐसा दोस्त जो मेरे लिए अपनी जान भी दे देता। फिर तुम मिली, तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे एक टूटा हुआ दिल दूसरे टूटे हुए दिल को सहारा दे सकेगा। लेकिन मैंने गलत सोचा, शायद मेरे प्यार में वो गहराई, वो सच्चाई नहीं थी जो तुम्हें जीत सके। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें प्यार करने के अलावा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं।
कैसे तुम्हें बताऊं मेरा दिल है बेकरार, कैसे तुम्हें बताऊं मेरा दिल है बेकरार, किस तरह समझाऊं मुझको तुमसे बड़ा है प्यार, तुमको बतलाना है दिल ये दीवाना है, तुमको बतलाना है दिल ये दीवाना है, कैसे तुम्हें बताऊं मेरा दिल है बेकरार, किस तरह समझाऊं मुझको तुमसे बड़ा है प्यार, तुमको बतलाना है दिल ये दीवाना है, तुमको बतलाना है दिल ये दीवाना। समझाता हूँ तुम क्या जानो मैं अपने दिल को कैसे समझाता हूँ, जब भी तुम्हें देखता हूँ देखता रह जाता हूँ, लगता है तुम तो मेरी हालत से हो अनजान, लेकिन तेरी खातिर मेरी लब पे अड़ी है जान, ये जो अफसाना है तुमको समझाना है, ये जो अफसाना है तुमको समझाना है, कल जयपुर जा रहे हैं बाबा।
जी जी, ये भी बुलाता हूँ। राज हुकुम, हुकुम, आपके लिए शहर से किसी का फोन है, अर्जेंट है हुकुम। हेलो, बहुत जख्मी हालत में हमें झील के किनारे मिले थे और हम इन्हें यहाँ ले आए। 6 महीने कोमा में रहने के बाद जब इन्हें होश आया तो इनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी, पर कुछ दिनों के बाद इन्होंने कुछ नाम बताए लेकिन उनमें से हमें कोई भी नहीं मिला। पता चला आप विदेश से वापस आ गए हैं, इसीलिए आपको फ़ोन किया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए कि मेरा दोस्त मुझे जिंदा मिल गया और इसलिए भी कि मुझे जिंदगी मिल गई। मैं समझा नहीं। चल मेरे साथ, सब समझ जाएगा। Oh,
क्या हो गया तुझे? हाँ पागल हो गया क्या? पूरे घर में ढूंढ रहा तुझे और तू यहां बैठा है? दिमाग पे चोट लगने के बाद तौरे आने लगे हैं मुझे, जो नहीं दिखाई देना चाहिए वो भी सामने आ जाता है। ऐसा क्या दिखाई दे गया तुझे मेरे घर में? तुझे यकीन नहीं होगा लेकिन मैंने वहां आज अपने आप को फिर मरते हुए देखा। क्या बकवास कर रहा है? सच सच बता क्या बात है, तू वहां से क्यों चलाया? ऐसे क्या देख रहे मेरी तरफ? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, मां की खुशी देखकर वो माहौल देखकर जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं तेरी उस जगमगाती महफिल में अंधेरा कर देता। एक बात ध्यान से सुन मेरे दोस्त, कभी किसी को मुकम्मल चाह नहीं मिलता, किसी को जमीन मिलती है तो किसी को आसमान, लेकिन मेरे पास सब दोनों है। दुर्गा मेरी जमीन है और तू मेरा आसमान, और कम से कम मेरी शादी तक तू मुझसे मेरी ये खुशी नहीं छीनेगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मेरी शादी तक तुझे मेरे साथ रहना होगा बस। हेलो राज। सॉरी टू अपसेट यू, राज नहीं तुम्हारा बाबा बोल रहा हूँ। बाबा आप इतनी रात को, सब ठीक तो है? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ गई थी। अच्छा ये बताइए आप उदयपुर से कब वापस आ रहे हैं? बस बेटा दो ऑपरेशन करने हैं, कुछ 3-4 दिन में पहुंच जाऊंगा। दुर्गा लगता है राज वापस आ गए। बाबा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राज कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, कितनी परेशान हो गई थी मैं, और आप है कि बिना बताए चले गए। क्या क्या सोचने लगी थी मैं, और आप है कि फोन भी नहीं किया। और मेरा दोस्त वापस आ गया दुर्गा, रोहित वापस आ गया। दुर्गा मैं तुम्हें रोहित से मिलाना चाहता हूँ। क्या बात है रोहित? रोहित तुम बिना बताए बीमार पड़ जाते हो, बिना बताए चले जाते हो, लगता है तुम्हारे पैरों में जंजीरें बांधनी पड़ेंगी। इसीलिए तो कहता हूँ कि राज के साथ साथ इसके भी फेरे करा देते हैं, फिर कहाँ जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया दैट, नॉट अ बैड आइडिया। क्यों रोहित भैया, कोई लड़की है कि नहीं आपकी नजर में? क्या हो गया भाई? क्यों हो गया रोहित? कहाँ भागे जा रहा है रोहित? ये दुर्गा, दुर्गा ये है रोहित। राज ने मुझे आपके बारे में बताया, आप खुशनसीब हैं, आपको नई जिंदगी मिली है। अबे खड़े खड़े देखते रहेगा या मेरी पसंद की तारीफ भी करेगा? के दोस्त कुछ उदास लगते हैं। हाँ बहुत कुछ सहा इसने, लेकिन तुम देखना अब मेरे पास आ गए सब ठीक हो जाएगा। चलो अंकित पकड़ पकड़ पकड़। अरे अरे संभल के। अंकित बाबू, रोहित जी
अरे यार, कोई खास बात? हमारे गांव में एक बाबू साहब रहते थे, उनकी सूरत आपसे मिलती है। मैंने सोचा शायद आप वही हो। सूरत? आपने उनकी सूरत देखी थी? हर आवाज मन में एक तस्वीर बनाती है। आपकी आवाज सुनकर पता नहीं क्यों बाबू का चेहरा उभरता है। हाँ, बहुत आवाजें एक जैसी होती हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं रोहित जी? जी। अगर आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते, हालात की वजह से वो आपसे बिछड़ जाती, वक्त गुजरने पर वो आपके सामने फिर से एक बार आ जाती, फर्क सिर्फ इतना होता इस बार वो किसी और की होने जा रही है, तो आप क्या करते? चुपचाप तमाशा देखते या उसे अपना लेते? ऐसे सवालों का क्या फायदा दुर्गा जी, मरे हुए लोग लौट कर नहीं आते। मैंने तो बिछड़ने की बात की, मरने की बात की नहीं रोहित जी। जीते जी अपने प्यार से बिछड़ जाना मरने के बराबर होता है ना दुर्गा जी? आप ठीक कह रहे रोहित जी, ठीक कह रहे हो। दुर्गा, कहाँ जा रही हो? मैं जी वो क्या छुपा रही हूँ मुझसे? मैं छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। मैं देख रहा हूँ जब से हमारी मंगनी हुई है तुम चुपचाप सी रहती हो, खुश नहीं हो तुम? बहुत खुश हूँ सच। झूठ। जो लड़की मेरी आंखों में आंखें डाल कर मुझे डांट सकती थी वो आज मुझे नजरें चुरा रही है। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी चोरी साफ नजर आ रही है। आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लगता है तुम कुछ नहीं बताओगी, मुझे ही बताना पड़ेगा। जानती हो तुमने मुझसे क्या चुराया है? मेरा दिल। और ये गलती करने के बाद तुम एक और गलती करने जा रही हो। अब कैसी गलती? ऐसे मौसम में हमसे दूर रहने की। मतलब? ये हमारे प्यार की पहली बरसात है, और कहते हैं जो प्रेमी इस बरसात में भीग जाए उनका बंधन अटूट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कम ऑन, कम ऑन। Hey Durga, I love you. तुम्हारा बाबू ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। ये भी तो हो सकता है कि मेरा शक सही हो। बाबू की ही आवाज, बाबू की तरह इनका भी एक्सीडेंट, बाबू की तरह इनका वापस आना। तुम्हारा बाबू मर चुका है दुर्गा, अगर जिंदा है तो तुम्हारी उम्मीद।
तुम्हारी शादी होने जा रही है दुर्गा, राज तुम्हारा भविष्य है और तुम अपने अतीत का दामन पकड़े हुए हो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा, ये सच जाने बिना मैं शादी नहीं कर सकती। आपने तो बाबू को देखा है ना, आप रोहित को देखकर बता सकते हैं कि वो मेरे बाबू हैं या नहीं, आप पहचान सकते उन्हें। देखो दुर्गा, मैं तुम्हारे इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता। बाबा अगर आप चाहते हैं कि मैं राज को अपने दिल में बसा लूं, तो मुझे बाबू की यादों की चिता जलानी होगी और ये मैं आपके बगैर नहीं कर सकती। वो देखिए बाबा, राज के साथ जो बैठे। मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। क्या कह रहे हैं आप बाबा, आपको पूरा यकीन है आपने नहीं देखा? मुझे पूरा यकीन है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रोहित तुम। मुझे लगता है कि तुम्हें राज और दुर्गा को सब कुछ बता देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है डॉक्टर साहब, मेरे मरे हुए रहने में राज और दुर्गा की भलाई है। तुम समझ नहीं रहे हो रोहित, अगर तुमने मुझे पहले फोन नहीं किया होता तो मैं दुर्गा के सामने इस तरह अनजान नहीं बनता, तुम्हें पहचान लेता। इस बार तुम बच गए हो, लेकिन कभी उन दोनों में से किसी को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कल मेहंदी है, परसों शादी, हवन कुंड की आग में सारा तीर जलकर राख हो जाएगा। उसके बाद मैं राज और दुर्गा की जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहूंगा। राज, राज, राम सिंह, इस इश्क में क्या क्या होता है आशिक जाने या रब जाने, इस बार न जाने क्या होगा, पहले भी हुए थे दीवाने। रुक जाओ
एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी मिले और तुम मुझे देख सको। और जब ऐसा हुआ तो मुझे ही तुम्हारे साथ आंख में चोली खेलनी पड़ी, तुमसे छुपना पड़ा। लेकिन अब छुपने के लिए भी जगह नहीं है दुर्गा। क्यों बाबू, क्यों छुपते रहे मुझसे? क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? मैं तड़पती रही और तुम देखते रहे, क्यों? अब इस क्यों का जवाब देने का वक्त निकल चुका है दुर्गा, बहुत देर हो चुकी है। दो दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी तो मेरी तब भी होने वाली थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम्हारा दिया हुआ मंगलसूत्र हाथ में थामे तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम्हारे मरने के गम में जीती रही, तुम्हें खोने का अफसोस करती रही। और जब तुम वापस लौटे तो तुमने पहचाना तक नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने इस क्यों का जवाब मांगू तुमसे? अगर मैं तुमसे छुपा तो वह इसीलिए कि जिस दिन मैं लौटा तुम्हारी मंगनी राज के साथ हो चुकी थी, तुम राज की हो चुकी थी दुर्गा। तो तकदीर की इस नाइंसाफी पर तुमने हमारे प्यार की कुर्बानी की मोहर लगा दी। मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूं, सारे फैसले खुद ही कर ले। ये हक तुम्हें किसने दिया बाबू? और कोई रास्ता नहीं था दुर्गा, तुम्हारे और ये हक तुम्हें किसने दिया? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलत फैसला किया है तो लो, थाम लो मेरा हाथ और चलो यहां से अभी इसी वक्त। पकड़ा था राज को, उसके सपनों को, उसकी खुशियों को। सोच क्या रही हो दुर्गा? थाम लो मेरा हाथ, चलो। देखो दुर्गा, हम दोनों के पैरों में एक ही जंजीर बंधी है, राज की अच्छाई की जंजीर, उसकी दोस्ती की जंजीर, उसकी मोहब्बत की जंजीर। राज के सपनों का महल तोड़कर हम अपना घर कैसे बसाएंगे? इतना खुदगर्ज ना मैं हूं और ना तुम। हमारे अतीत का साया अगर राज और तुम्हारे भविष्य पर पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे वादा करो दुर्गा कि राज को हमारे बारे में कभी पता ना चले, मुझसे वादा करो दुर्गा, मुझसे वादा करो। मैं वादा करती हूं। मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी बाबू? इस बात का यकीन है मुझे दुर्गा, राज की मोहब्बत तुम्हें सब कुछ भुला देगी।
राधा के मन में प्रीत जगी है। ओ घूंघट में राधा शर्माए देखो, होगा मिलन ये आस लगी है। आती जाती हर एक धड़कन तुमसे यही कहेगी, खुशियां हैं सारी तेरे नाम। कर रहे हो तुम? हट जाओ पिताजी, मैं इसे जान से मार दूंगा। पागल हो गए हो तुम? रोहित तुम्हारे बचपन का दोस्त है। इसी बात का तो अफसोस है, जो मेरा सब कुछ छीनना चाहता है वो मेरे बचपन का दोस्त है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी में तो अब तक जी रहा था मां, मुझे लगा था कि मुझे घर बसाता देख सबसे ज्यादा खुशी इसे होगी, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये मेरी जिंदगी में दोबारा इसलिए आया है ताकि ये मेरा सब कुछ छीन सके। लेकिन गलती इसकी नहीं, मेरी है। बचपन से इसे मैंने अपनी भाई की तरह समझा। मेरे लिए इस घर में जो कुछ भी आया
उसमें से बराबर का हिस्सा मैंने इसे दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि एक दिन हिस्सा लेते लेते इसे हिस्सा लेने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि मेरे प्यार में भी अपना हिस्सा मांगने लगेगा। लेकिन आज मैं इसे हिस्सा नहीं सजा दूंगा। भैया ये क्या कर रहे हो आप, एक बार इन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। बताइए रोहित भैया सच्चाई क्या है। सच ये क्या बताएगा, इसकी नीयत तो उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन पहली बार मैंने इसे दुर्गा से मिलाया था। उस दिन तो ये चुप रहा लेकिन मेरी पीठ के पीछे अपनी बातों से भोली भाली दुर्गा को फुसलाता रहा। राम सिंह ये देखो मेरे दोस्त की मूर्ति, ये मेरी होने वाली पत्नी ने बनाई है और मैं जानता तक भी नहीं क्यों। दुर्गा के हाथ में मेहंदी भले ही मेरे नाम की है पर उस मेहंदी की खुशबू इस एहसान फरामोश की है। शादी के बाद दुर्गा भले ही मेरी बाहों में होगी पर उसकी आत्मा इस मक्कार के कब्जे में होगी। बस कीजिए। जिस दोस्त को आप कमीना मक्कार और एहसान फरामोश कह रहे हैं वो आपकी दोस्ती के लिए क्या कुछ कर रहा है आप जानते तक नहीं। ये सच है कि शादी के कार्ड पे भले आपका नाम हो लेकिन मेरे दिल पे रोहित का नाम छपा है। हाँ ये सच है कि मेहंदी मैंने आपके नाम की लगाई है लेकिन इसकी खुशबू रोहित की है। मेरे हाथों पे तो क्या, मेरे दिल पे, मेरे दिमाग के हर हिस्से पे रोहित का नाम है क्योंकि मैं आपसे नहीं रोहित से प्यार करती हूँ। जिसने मेरी आंखों को रोशनी दी, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे प्यार की दुनिया के अंदर तक लेके गया, जिसने जमीन पे मुश्किल से चलने वाली मुझ जैसे लड़की को आसमान के सपने दिखाए, वो बाबू और कोई नहीं रोहित ही है। रोहित ही मेरा बाबू है। हाँ राज साहब, जिसे आप गद्दार और एहसान फरामोश कहकर अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हैं, उसने खुद अपने प्यार को आपकी दोस्ती और आपकी खुशियों पर कुर्बान कर दिया। जिसके सिर पे आप इस मेहंदी को चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं वो तो इसके सूखने से पहले ही यहां से चला जाएगा। आपकी और मेरी शादी तो बाबू की जिद थी, उसकी जिद के सामने तो मैंने अपना सिर झुका दिया। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए राज साहब, मैं बाबू से प्यार करती थी, करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। देखा डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना मैं सच इसके मुंह से निकलवा के रहूंगा। देख लीजिए सच इसके मुंह से क्या इसकी आंखों से फूट कर बह रहा है। दुर्गा मैंने तुम्हें आज इसलिए रुलाया ताकि तुम जिंदगी पर हंस सको। अरे मैं तो तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता था। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रास्ते से कब का हट जाता। और ये मेरा पगला दोस्त बचपन से अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। अरे बेवकूफ, मुंह से निकला हुआ झूठ दिल से निकले हुए सच के सामने बहुत छोटा होता है। वो आंखों के जरिए सब कुछ बयान कर देता है।